मेरा नाम मोहम्मद फैज खान है, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ यूक्रेन में फंसा हुआ हूँ। मेरे सारे दोस्त फंसे हुए हैं और ना तो यहाँ पे फ्लाइटें चल रही हैं ना कुछ है, सब रशिया वालों ने कब्जा कर लिया है। तो हमें उत्तर प्रदेश सरकार और इंडिया सरकार से गुजारिश है कि किसी तरीके से कोई मदद दे हमें और यहाँ से हमें निकालें, क्योंकि हम लोग बहुत गंदे तरीके से फंस गए हैं यहाँ पे। और हमारे बहुत सारे दोस्त लोग तो वहाँ एयरपोर्ट पे ही फंसे पड़े हैं, ना उनको खाने को मिल रहा है ना कुछ। और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि उत्तर प्रदेश सरकार से गुजारिश है कि अच्छे से कोई फ्लाइट का अरेंजमेंट करवाइए और हमें यहाँ से निकालिए या एयरलिफ्ट कराइए। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है, मैं यूपी से हूँ, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। हम अभी इवानो फ्रेंकिस में यहाँ फंसे हुए हैं, यहाँ मार्शल लॉ लग चुका है पूरे यूक्रेन में। और ये मेरा फ्रेंड है। और मैं कमल सिंह हूँ, मैं उत्तर प्रदेश बनारस से हूँ। यहाँ पे स्थिति बहुत खराब होते जा रही है, हम लोग जल्द से जल्द यहाँ से प्रबंध किया जाए, निकालने की कोशिश किया जाए, क्योंकि यहाँ पे दिन पे दिन एकदम स्थिति प्रबल होता जा रहा है। यहाँ बहुत अटैक हुए हैं, यहाँ पर यहाँ हर जगह से धुएं धुएं हो रहे हैं। हम लोग के जस्ट बगल में 2 मिनट दूर पे गवर्नमेंट हॉस्टल हम लोग का, वहाँ जस्ट बम गिरा है, 3 बम गिरे हुए हैं और एकदम स्थिति खराब है। सब लोग डर के सब सामान यहाँ पे पूरा खरीद रहा है। सब लोग काफी सामान मिल भी नहीं रहे, जो सामान अवेलेबल रहते सब खत्म हो चुके हैं, बहुत शॉर्टेज पड़ रहा है सामान के, बहुत स्थिति खराब है यहाँ पे। हम लोग को जल्द से जल्द प्रबंध किया जाए, निकालने की कोशिश किया जाए। भारत सरकार से ये अपील है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए, इवैक्यूएट करा जाए, हमें एयरलिफ्ट किया जाए। जल्द से जल्द आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, प्लीज प्लीज निकाल लीजिए हम लोग को, प्लीज निकाल लीजिए। बहुत हम लोग डरे हुए हैं बहुत ज्यादा, घर वाले बहुत परेशान हैं हम लोग को, प्लीज प्लीज निकाल लिया जाए। हम लोग यहाँ पे कीव रेलवे स्टेशन में फंसे हुए हैं, हम लोग भाग भर के यहाँ पे आए हुए हैं। हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, बहुत सब अलग अलग जगह से आए हुए हैं। हम एम्बेसी को कॉल करे जा रहे हैं यहाँ पे, हम बहुत परेशान हैं, लेकिन एम्बेसी कोई जवाब नहीं दे रही है। ना यहाँ से जाने के लिए कोई रास्ता है हमारे पास, टैक्सी वाले नहीं मिल रहे और कुछ भी नहीं है, और एम्बेसी कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। तो अब हमें जवाब दीजिए, हम करेंगे। एम्बेसी हमारी जो एम्बेसी है कीव में वो बंद हो चुकी है, मतलब उन्हें बोल दिया गया है, ऑर्डर आ गए हैं कि इंडिया जा रही है एम्बेसी। तो अब यहाँ पे कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है, टैक्सी नहीं मिल रही है, बस नहीं मिल रही है, हम कहाँ जाएं? मतलब पर हमारी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ हमें सेफ जगह पे लिया जाए।